feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still. Hey friends, good morning. कैसे हैं आप सब? मैं मीरा आप सभी को फिर से स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल जियांज वर्ल्ड में। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं मेरे कुछ पिछले ब्लॉग्स जो नासिक और शिरडी के हैं, और कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं आप लोगों को तुरंत नहीं दे पा रही। तो एक्चुअली मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इसीलिए मैं धीरे धीरे एडिटिंग करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आजकल लाइव भी आने लगे हो ना, तो इसीलिए थोड़ा टाइम कम मिलने लगा है। और देख, पता ही है ना आप लोगों को जियांज कैसा नॉटी है, तो उसको भी देखते रहना पड़ता है। तो वही एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए मैं नहीं दे रही हूँ। तो ये है मेरा लास्ट ब्लॉग है जो शिरडी का है। तो ये वाला जो ब्लॉग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला है, और वो मतलब न्यू एक्सपीरियंस, बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंस मेरा है यहाँ पे। तो आप लोग इंजॉय करेंगे ये वाला जो ब्लॉग है। हम लोग गए थे पुरानी शिरडी में गए थे हम लोग। तो आप लोग देखना, पूरा इंजॉय करेगा। एंड जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छे से प्यार दिखा रहे हैं। एंड जो लोग न्यू आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आप लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो बने रहिए हमारे साथ एंड देखिए पूरे एंड तक, और बताना मत भूलना कि कमेंट में कैसा लगा ब्लॉग देख के। तो हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, एंड हम भी अच्छे हैं। एंड आज हमारा है सेकेंड डे शिरडी में, और हम लोग तैयार हुए हैं जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल गए थे, और ये देखिए यहाँ पे एक पार्क है ना, तो जियांज एकदम पार्क को देख के एक्साइटेड हो रहा है वहाँ जाने के लिए। तो देखिए जियांज के पापा कैसे भगा कर उसको लेके जाएंगे। तो ये ट्रिक अप्लाई करना पड़ रहा है जियांज को पार्क से, मतलब डिस्ट्रैक्ट करना। और देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं साई हेरिटेज विलेज, जो यहाँ का एंट्री फीस है 150। एंड जियांज और आयुष का दोनों का हाफ टिकट लिया गया है, दोनों को मिला के 150 लिया है। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं क्या है, कैसा क्या है। और देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ने एंट्री कर लिया है अंदर, और ये देखिए पिक्चर के थ्रू साईं बाबा की जो जीवनी है उसको एक्सप्लेन किया गया हुआ है, और मतलब शुरुआत से एंड तक साईं बाबा के जो रहन सहन है, साईं बाबा का गाँव कैसा था वो दिखाया गया है वहाँ पर। इसीलिए ये जगह को मतलब साई हेरिटेज विलेज नाम दिया गया है। तो चलिए और देखते रहिए आप लोग। मैंने पूरा नहीं दिखाया है, पूरा अगर दिखाती तो और ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो, तो इसलिए मैंने कुछ शॉर्ट ही इन शॉर्ट करके आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अगर आप लोग बच्चों के साथ आ रहे हैं ना, तो प्लीज़ यहाँ पर आइए ज़रूर, और खूब इंजॉय करेंगे आप लोग। तो वहाँ पर काफ़ी कुछ है एक्टिविटीज़, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ डर लग रहा है लेकिन जाना पड़ रहा है, देखते हैं एक्सपीरियंस करके कैसा है। अरे माइंस में नहीं गया क्या? माइंस अलग है, ये अलग है। भैया को डर लग रहा है। नहीं नहीं नहीं। तो जो कार्तिक भैया गए थे हमारे साथ, वो काफ़ी डरे हुए थे वहाँ पे जाने के लिए, वो मान ही नहीं रहे थे वहाँ जाने के लिए। तो लेकिन हस्बैंड और हमने जो पोस्ट किया तभी वो गए बैठने के लिए। तो देखिए एक्सपीरियंस कैसा रहता है, आप लोग भी इंजॉय करिए। और वहाँ बैठते ही कार्तिक भैया को भगवान की याद आ गई, भगवान का फ़ोटो ढूंढ रहे थे वो कहाँ है, भगवान का फ़ोटो है। ये नहीं था, मैं चेन्नई में गया ना, ये नहीं था। क्या था? मतलब साइड कुछ भी नहीं था, अच्छा खुला था। नहीं रहते हम लोग जैसे, लेकिन उसमें क्या भैया दिखाइए, तुरंत उतर जाना चाहिए। वैसे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, जितना डर लग रहा था उतना कुछ बैठने के बाद कुछ फील नहीं हुआ, और ज़्यादा स्पीड भी नहीं जा रहे थे वो, बस अच्छा लगा बैठ के। कैसा लग रहा है कार्तिक जी रोप वे में बैठ के आपको? थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा नहीं पूरा ही लग रहा है, बोलो ना। अरे कुछ नहीं होता, नीचे देखो। नहीं नहीं, अरे देखना एक बार।
हो गया हमारा रोप वे राइडिंग और अभी चल रहा है नीचे, देखते हैं क्या है। और ट्रेन है यहाँ पे, ट्रेन में चढ़ते हैं हम लोग। और उसके बाद हैंगिंग ब्रिज भी है, वहाँ पे भी जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आप लोग और इन्जॉय करिए आप लोग भी। और हम लोग उसके बाद चले गए थे, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग और कैमल राइडिंग भी था, तो हम लोग चले गए थे हॉर्स और कैमल राइड करने के लिए। तो देखिए मैं अभी, हस्बैंड नहीं आए, हमने मैं अभी हॉर्स राइडिंग कर रही हूँ जियांज के साथ। जियांज काफ़ी इन्जॉय कर रहा है। और उस दिन काफ़ी गर्मी थी तो जियांज को लग गई थी घूमते घूमते प्यास, और वहीं पे फ्रेश जूस भी मिल रहे थे, तो जियांज के पापा जियांज को फ्रेश जूस पिला रहे थे। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे ट्रेन में, और ट्रेन से चलने से क्या होता है, पूरे विलेज का व्यू दिख जाता है। तो हम लोग वही ट्रेन पे इंजॉय करने चले गए। और यहाँ पे काफ़ी कुछ है जो अगर मैं पूरा दिखाती हूँ ना आप लोगों को तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता, तो इसीलिए ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं, बस थोड़ा सा दिखाया, फिर भी लंबा ही हो गया है वीडियो। होप आप लोग इंजॉय कर रहे हैं एंड पूरा एंड तक ज़रूर देखिए प्लीज़। और यहाँ देखिए जादू दिखाया जा रहा है, और वही ये सब जो है 150 में ही इंक्लूड किया गया है, तो 150 में ही आप सब पूरे देख लेते हैं। बट वो रोप वे का टिकट लेते हैं, आई थिंक रोप वे एंड हॉर्स राइड और कैमल राइड का टिकट लेते हैं, बाकी सब इंक्लूडेड है, यही सिर्फ 150 से ही इंक्लूडेड है। और यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क भी है, एनिमल्स के पिक्चर्स भी बने हुए थे, वो सब मैं आप लोगों को नहीं शेयर कर रही हूँ, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो नहीं तो। अरे उसे पकड़ पकड़ देखिए जितना दिखा रही हूँ, उतना इंजॉय कर लीजिए आप लोग। और इसके बाद हम लोग आ गए थे हैंगिंग ब्रिज पे, तो देखिए डर डर के जियांश और मैं क्रॉस कर रहे हैंगिंग ब्रिज। जियांश अपने पापा के साथ पहले आ चुका था, फिर मैं और लेके आ रही हूँ उसको, इसलिए थोड़ा वो निडर होके चल रहा था। और यहाँ देखिए हमारे पति देव जी क्या कर रहे हैं, उनका भी न्यू एक्सपीरियंस है। देखिए आप लोग भी। और उनके पीछे पीछे मैं भी आ गई फिर। और चलिए फ्रेंड्स यहाँ से हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ मुफ्त में खाना भरपेट खिलाया जाता है एंड, और ये हम लोग आ गए हैं आश्रम, और वहाँ से फ्री बसेस की सेवा थी, तो हम लोग फ्री बस में ही जाने वाले हैं, तो ये चढ़ गए हम लोग फ्री बस। और हाँ फ्रेंड्स ये है जियांज का फर्स्ट बस एक्सपीरियंस, तो अच्छा है उसका बस एक्सपीरियंस। तो लाइफ में हर चीज़ का एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम भी इसीलिए चले गए हैं साईं प्रसादालय के लिए। तो चलिए फ्रेंड आप लोग भी हमारे साथ श्री साईं आश्रम प्रसादालय की प्रसाद को टेस्ट करने के लिए, और मैं बताती हूँ आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या सेवाएँ हैं। प्रसादालय श्री साईं प्रसादालय, तो यहाँ पे देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है। यहाँ पे फ्री भोजन देते हैं, फ्री भोजन दिया जाता है यहाँ पे, तो सभी लोग यहीं पे आए हैं, हम भी आए हैं टेस्ट करने के लिए, बताएंगे आपको कैसा क्या है यहाँ का। नींद भी आ गया है जियांश को, बट अभी यहाँ से खाना खिला के फिर उसको सुला देंगे। देखिए एरिया, यहाँ पे साईं बाबा की मूर्ति बनी हुई है, देख सकते हैं आप लोग कितनी भीड़ है। और ये भैया गए हैं टोकन लाने के लिए, शायद लेके आ गए हैं, हाँ लेके आए। और यहाँ पे देखिए सोलर पैनल लगाया गया है, पानी वगैरह सब, लाइट वगैरह सब इसी से चलता है, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ का, देख सकते हैं आप लोग भी। तो अब हम लोग आ रहे थे जहाँ पे प्रसाद दिया जाता है, तो देखिए आप लोग अंदर कितना बड़ा एरिया है और इतनी भीड़ है, आप लोग बहुत ही सरप्राइज होंगे देख के, बहुत बड़ा एरिया है। ऐसा शायद अमृतसर ये गोल्डन टेंपल में भी होता है, मैंने कहीं यूट्यूब वगैरह में ही देखा है, तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है हमारा यहाँ पे। तो होप आप लोग भी आएंगे, अगर श्रीडी आए ना तो प्रसाद आलय का ये जो खाना है बिल्कुल टेस्ट करिए, मुफ्त खाना दिया जाता है यहाँ पे, भरपेट खाना आपको, मतलब
इतना इतना अच्छा टेस्टी खाना मिलेगा ना यहाँ पे, पेट भर जाता है। जियांज भी बहुत अच्छे तरीके से खाया उस दिन यहाँ पे। रहे ना फ्रेंड्स, एक साथ कम से कम 2000-3000 लोगों को सर्व किया जा रहा है खाना, प्रसाद दिया जाता है, और इतना टेस्टी खाना रहता है ना, क्या बताएं। उस दिन जियांज ने भी काफ़ी अच्छे से टेस्ट किया, उसने बहुत अच्छे से खाया प्रसाद वहाँ का, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। होप आप लोग भी आएंगे यहाँ पे, जब भी आए ना विज़िट करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, एंड ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया, प्लीज़ आप लोग एंड तक देखिए प्लीज़। एंड प्लीज़ जो लोग न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, एंड जिन लोगों ने सपोर्ट किया है उन लोगों को दिल से बहुत बहुत थैंक यू। तो आप सभी से मिलते हैं एक नए मज़ेदार ब्लॉग में, एंड तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय। प्रसादालय में प्रसाद का सेवन करने के बाद हम लोग चले गए फ्री बस से फिर से आश्रम के लिए।